मेरा अगला सवाल हेमा जी से है, और ये सवाल ये है कि जयरंगम, रंगमंच और आप, अब दुविधाएं बताइए। आई थिंक जैसे अभी प्रेरणा जी ने कहा, दुविधाएं इतनी होती नहीं है जितनी हम शायद अपने आप क्रिएट कर लेते हैं, और ये हमारी थॉट में ही चलती है। जब जयरंगम होता है तो इतने सारे फीमेल एक्ट्रेसेस भी हैं, रुचि है, डायरेक्ट भी करती हैं, त्रिपुरारी जी हैं, सो मेनी पीपल देयर। एंड अब जब आप थिएटर कर रहे होते हो तो आप ये नहीं देखते हो कि मेरा प्ले कौन देख रहा है, आपके लिए वो ऑडियंस होती है, उसमें ये नहीं देखते हम कि फीमेल्स देख रही हैं कि मेल्स देख रहे हैं। तो वाई नॉट थिंक लाइक दैट कि जब हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो भी हम सब साथ खड़े हैं, अगर आप नहीं होते, ये लोग नहीं होते, ये नहीं होते, तो हम कर ही नहीं सकते थे। अपन ये सब एक एक मेरे ख्याल में हम साथ लेके चल रहे हैं। ये अपनी जगह बहुत सही है कि जॉइंट एफर्ट से ही होता है, जॉइंट एफर्ट से। पर महिला होने के नाते और एक पुरुष होने के नाते वो फर्क क्या है जो ऑर्गेनाइज करने में ईज होती है, या इट डजंट एग्जिस्ट? आई थिंक इट डजंट एग्जिस्ट, बट समहाउ यू डिवाइड दैट वर्क। If you are organizing something, you have something like he is going to do this thing, I am going to do this thing, and it is clear in your mind. Nobody is imposing that you have to do that. That is freedom, and maybe it is different for a different person. But for me, if Deepak is organizing everything, I have full freedom to decide what I am saying, and he is listening everything. पर एक touch होता है, चाहे वो किसी भी जगह हो, चाहे हम यहाँ पे कर रहे हैं, चाहे हम घर पे कर रहे हैं, थिएटर में कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, आई थिंक वेयर एवर द फीमेल्स आर द थिंग विल बी ऑस, इट विल बी वेरी गुड। फाइन, मतलब मेरे को ये वाली स्टेटमेंट पे भी कोई परेशानी नहीं है, आई एम हैप्पी कि फीमेल्स मेक अ डिफरेंस व्हेन दे डू समथिंग। मैं सादिया पर वापस आती हूँ। सादिया ने कहा कि इट इज़ वेरी सेफ इन मुंबई टू वर्क। मैं मानती हूँ कि बॉम्बे में अगर आप लेट नाइट भी छूटते हैं तो आपके लिए घर जाना उतना मुश्किल नहीं है जितना जयपुर में भी इट इज़ ऑलमोस्ट सेफ, बट सिटीज़ लाइक आगरा या और भी कोई हो सकती है, मैं कोट नहीं करूँगी, वहाँ और भी दिक्कत होती है महिलाओं को लेकर। पर फिर भी मुंबई में इतना सब कुछ सेफ होने के बाद भी आई बिलीव कि इतना आसान नहीं है थिएटर, फिल्म्स और टेलीविज़न करना एक लड़की के लिए। मैं चाहती हूँ उस पर बातचीत की जाए, आपने क्या महसूस किया? मुझे पता है बहुत सारी बातें आप, ऐसा होता है जो अभी सुष्मिता जी ने भी कहा कि शेयर करने लायक नहीं होती हैं, आपकी अपनी होती हैं, पर फिर भी नहीं, मुझे लगता है कि लड़की के लिए जैसे कि कह रहे थे ना कि वी कंडीशनिंग, हमें जब बड़े हो रहे होते हैं तो कंडीशनिंग होती है कि तुम लड़की हो, ठीक से बैठो, इतनी ज़ोर से मत हंसो, ऐसे कपड़े मत पहनो, तो ये जो सारी कंडीशनिंग्स हैं ना, इससे बड़ी परेशानी होती है आगे बढ़ने में। तो परेशानियां लड़की को हर जगह आती है, सिर्फ इसी फील्ड में नहीं, वेर एवर शी विच एवर फील शी वॉन्ट्स टू गो टू एंड डू समथिंग, शी हैज़ टू स्ट्रगल मोर देन द मैन। आई होप आई एम नॉट जनरलाइजिंग दिस, आई डोंट नो। सो इन बॉम्बे वेर इट कम्स टू बींग एन एक्टर, येस देर इज फिल्म इंडस्ट्री एंड इट्स अ मैंस वर्ल्ड, सो शी हैज टू डील विद अ लॉट ऑफ स्टफ। चलिए थोड़ी सी देर दुविधाएं भी छोड़ देते हैं, महिला होने के नाते एक मज़ेदार घटना क्या हुई वो सुनेंगे, मतलब वेर यू हैड टेकन प्रिविलेज ऑफ बीइंग अ फीमेल। यस, व्हाई नॉट, फाइन, तो लेट अस गो टू, डिड आई टेक अ प्रिविलेज ऑफ बीइंग अ वुमन? यस, वी ऑल ऑफ अस डू, ऑल ऑफ अस डू, आई मीन बीइंग अ मेल आल्सो, बीइंग अ फीमेल आल्सो। Yeah, I didn't understand, so I didn't. But yes, there were like when I was beginning my career, so there was a producer. I was being launched with a very big hero, and okay, so are you cooperative? I didn't understand. I said, yeah, I'm very professional. I'll come on time. I'll do my 100%.
So they didn't, and they understood that I didn't understand and I did not understand, so I did not get the film. So actually, this is also one aspect of being a female. शक्ति की तरह तो है, और जब आप उस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो आप समाज से या जो कुछ चल रहा है उससे अलग भी हो जाते हैं. मेरा फिर सवाल सुष्मिता जी से है कि हमें कम दिखाई देती हैं लड़कियां, और वो अपनी राइट्स को लेकर इतनी सजग भी नहीं होती हैं. आपकी अपब्रिंगिंग जैसे हुई है, नाटकों में आने के बाद बदलाव आता है, बहुत बड़ा बदलाव आता है. आप लिटरेचर से टच में आते हैं, आप दुनिया में जो कुछ हो रहा है उससे आपका नाता होता है, तो वो एक जो एक्सपीरियंस होता है आपका इन सब चीज़ों को जानने का, और उसमें फिर वो दुविधाओं से आप कैसे निकलते हैं, उस बारे में भी बातचीत करते हैं. ओके, ठीक है. आई थिंक आप शायद ये पूछना चाह रही हैं कि किस तरह से लड़कियों में एक ब्लॉसमिंग या फ्लावरिंग होती है थ्रू द एक्ट ऑफ थिएटर, और क्या मैंने ऐसा देखा है. तो मैं इससे तो खैर बिल्कुल ही सहमत हूँ, बिकॉज आप जानती हैं एमएचओ थिएटर में आप ये बात कह ही चुकी हैं कि लड़कियों को ढूंढने में बहुत ही दिक्कत होती है, बिकॉज बहुधा उनको इजाज़त नहीं मिलती है, या टाइम वगैरह को लेके माँ बाप परेशान रहते हैं. थिएटर के बारे में बहुत सारे माँ बाप शक भी करते हैं कि किस तरह की ये फील्ड है, तो लड़के तो फिर भी रिलेटिवली आसानी से मिल जाते हैं, लड़कियाँ कम ही मिलती हैं आपको अपने एमएचओ थिएटर में रोल्स के लिए, छोटे शहरों में ख़ास तौर से. तो एनीवे, मैं ये डेफिनेटली कह सकती हूँ कि इस दौरान बहुत सारी लड़कियों के साथ काम किया, अपने नाटकों में उनको लिया, और बहुत सारी फर्स्ट टाइमर्स ली, बिकॉज आप यू कैन नॉट होल्ड आउट फॉर दिस कि हमको कोई एक्सपीरियंस ही चाहिए, आपको हो सकता है कोई नहीं मिलेगा. तो हमने ये बहुत देखा फर्स्ट टाइमर्स के साथ कि पहली बार आए तो कितने वो नर्वस थे, और कितना करने में भी उनको हिचकिचाहट थी, और कैसे कैसे उनमें कॉन्फिडेंस की ग्रोथ हुई, ये तो मैंने डेफिनेटली देखा. मैंने ये भी देखा कि उन्होंने अपने परिवारों में अपने आप को एसर्ट करना शुरू किया कि माँ बाप आप ये बात समझिए कि हमको रिहर्सल पूरा करके आना है, और ये ग्रोथ मैंने लड़कियों में देखी कि पहली बार लिया तो कैसे वो घबराई सी आती थी और जल्दी जल्दी जाती थी, कैसे रुक रुक के बोलती थी, और किस तरह से उन्होंने ज़्यादा बोलना शुरू किया. और मुझे ये भी फीलिंग होती कुछ लड़कियाँ लिखने लग गईं, बिकॉज यू नो एक जनरल ब्लॉसमिंग का एक्ट तो होता ही है, तो लड़कियों पर थिएटर का ये असर तो मैंने देखा ही है. हाँ जी, और इसके अलावा बीइंग अ वुमन, मैं आपको बताऊँ अपने यंग डेज की, नॉट वेरी यंग डेज, नॉट कॉलेज, लेकिन व्हेन आई वाज, जब मेरी बच्ची थी 1 साल की, हमारे हस्बैंड कहीं बाहर गए हुए थे, वो शायद पुलिस एकेडमी में गए हुए थे या क्या था, और मैं पीछे से नाटक, मेरी सबसे बड़ी लड़की 1 साल की थी, मैं पीछे से नाटक कर रही थी दुविधा, विजय दान देता की कहानी पर, तो उसमें वो बहू का रोल था, उसमें रोना धोना था. तो अब मेरे पास कोई तरीका नहीं था, ये सब लड़कियों के इश्यूज़ होते हैं जो आपने कहा कि क्या लड़कियों के इश्यूज़ होते हैं, तो मैं अपनी बेटी को रिहर्सल पे ले जाती थी. अब वो 1 साल की थी तो उसको लेके कोई घूमता रहता था जब तक मैं रिहर्स करती रहती थी. अब रोज़ ये होता था कि जब मेरा रोने का सीन आता था तो वो नीचे से चालू हो जाती थी, भैं मुझको अपनी रिहर्सल रोक के फिर उसको जाके चुप कराना पड़ता था, फिर उसको कहीं बिठाते थे, चॉकलेट वॉकलेट दे के, और फिर जैसे मैं वापस स्टेज पर रोना शुरू करूँ वो वापस संवेद स्वर में चालू हो जाए. इस तरह की इश्यूज होती हैं. तो मैंने ये बात इसलिए कही कि इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि मैंने डील करना सीखा. एज अ वुमन आपके जो थिएटर पे एक्सपीरियंसेस होते हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बिकॉज यू लर्न टू डील. एज अ वुमन आप बहुत प्रोटेक्टेड लाइफ बहुधा जीते हो. लड़कियां हमारी छोटे शहरों के बहुत प्रोटेक्टेड लाइफ्स अभी तक तो जी ही रही थी, अब थोड़ा निकलने लग गई हैं. तो थिएटर आपको उस प्रोटेक्शन के माहौल से निकाल के जो नई दुनिया दिखाता है उसका लड़कियों पर बहुत अच्छा असर होता है. प्रेरणा जी, मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी. ये जो अभी थोड़ी देर पहले जब बात हो रही थी तो ये हो रही थी कि नाटक में भी जो कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादातर मेल प्रोटागोनिस्ट हैं, फीमेल्स आर कंसिडर्ड टू बी सेकेंडरी. बट आई हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हेयर. आई फील देर आर सो मेनी प्लेस विच हैज़ बीन रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फीमेल,
और ऐसे नाटकों में जब महिला पात्र निभाए जाते हैं और पढ़े जाते हैं, या साहित्य में भी जब इस तरह की चीज़ें आती हैं उनमें जहाँ फीमेल बहुत स्ट्रांग होती है, मेरे ख्याल से वो शायद पॉपुलर भी ज़्यादा होते हैं उस तरह के नाटक। और वो तो कहीं एक सोसाइटी के अंतर्मन में ये तो चलता है कि इनके इश्यूज हैं और एड्रेस भी होने चाहिए हैं। जब आप डील कर रहे होते हो चीज़ों से, तो जैसे आपने डील करना सीख लिया, आपके परिवार ने भी इन सब चीज़ों के साथ डील करना सीखा। तो जब आप मेरे ख्याल से आप पहले इस विषय पे कुछ बोलना चाहेंगी। मैं बस एक बात के बोलना चाह रही थी, मैं ज़्यादा रुकूंगी नहीं, मेरी टर्न भी नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि द पॉइंट आई हैड मेड वाज दिस कि औरतों के रोल या तो सेकेंडरी होते हैं या फेमिनिस्ट होते हैं। मतलब वो जो विमेन सेंट्रिक नाटक होते हैं वो इस इशू से डील कर रहे होते हैं कि औरत कैसे एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में विमेन्स इशूज़ को कैसे उठाती है और क्या महसूस करती है। तो मेरा ये कहना है कि ये स्वयं में एक मिडिल लेवल की बात है, यू नो, इसलिए क्योंकि भाई औरत का सिंगल डेफिनेशन ये नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ इन इशूज़ से डील कर रही है। औरत का फाइनल डेफिनेशन तो यही है ना, जो मैंने पहले बात कही थी कि वो एक इंसान है। वो नाटक एक ट्रूली वुमन सेंट्रिक नाटक होगा या एक ट्रूली फ्री औरत का नाटक होगा जो ना तो उसको सेकेंडरी बता रहा है और ना उसको पुरुष के साथ या समाज के साथ एक स्त्री पुरुष युद्ध में दिखाए। ये कहना चाह रही थी मैं। जो नाटक हम आज देखते हैं वो बहुत सारे स्त्री पुरुष युद्ध के बारे में होते हैं या वुमन्स सर्च फॉर इक्वालिटी वीजा भी इस तरह के होते हैं। हाँ, इसलिए मैंने कहा था कि वो मुझे मार्शा नॉमन का नाइट मदर बहुत अच्छा लगा था नाटक, बिकॉज उस पर वो कोई ऐसा युद्ध नहीं उठा रही थी बल्कि वो एक इंसान थी। ये मैं कहना चाह रही हूँ, ऐसे नाटक कम होते हैं। जो जनरल स्टोरी होती है ना जिसमें कि कोई इशू नहीं, भाई व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो हम मेन सेंट्रिक नाटक देखते हैं क्या वो मैस्कुलिनिस्ट होते हैं? नहीं, वो नॉर्मल लाइफ स्टोरीज होती हैं। जो हम फीमेल ओरिएंटेड नाटक देखते हैं वो क्यों फेमिनिस्ट होते हैं? नहीं, पर क्या वो फेमिनिस्ट होते हैं? बहुधा होते हैं। एक से एक अच्छा नाटक आप देखिए, एक से एक अच्छा नाटक देखिए। एक नाटक मुझे बहुत पसंद है जो आपने भी हाल में किया था, शांतता कोर्ट चालू आए। आई लव दैट प्ले, कितना वेल रिटन है। बट स्टोरी इज एसेंशियली ऑफ अ वुमन्स इशूज इन अ मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी एंड हाउ सोसाइटी जजेस अ वुमन हु इज हैविंग अ बेबी आउट ऑफ मैरिज। पर फिर अगेन मैं उसको फेमिनिस्ट जोड़ के नहीं देखना चाहूंगी। मतलब व्हेन आई डिड इट आई ट्राइड टू अवॉइड दिस पॉइंट ऑफ व्यू, और वो बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे था कि कोई भी एक जिसको आप विक्टिमाइज कर लेते हो, किसी भी व्यक्ति को, चाहे फिर वो महिला हो या पुरुष हो, उसकी स्थिति ऐसे ही होती है। एंड दिस आई मीन आई विल बी टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली, बट आई विल लाइक टू मैंशन सारी रात ऑल्सो कि व्हेन आई वॉज डूइंग इट, वहाँ तीन पात्र हैं, एक महिला है, एक पुरुष है और एक वृद्ध है। पर मुझे करते वक्त लगा कि ये महिला महिला नहीं है, ये पुरुष पुरुष नहीं है, ये कभी महिला पुरुष हो जाता है, कभी पुरुष महिला हो जाता है, कभी वृद्ध महिला की तरफ से बोलने लगता है, कभी वो पुरुष की तरफ से बोलने लगता है। तो और फाइनली जो कंक्लूजन निकला वो यही था कि ये मेल फीमेल रिलेशनशिप का इशू नहीं है, इट इज़ अबाउट वॉन्टिंग समथिंग एंड व्हेन यू गेट इट इट चेंजेस इनटू रियलिटी एंड रियलिटी इज़ बैड। तो ये वो चीज़ थी। पर हम बात कर रहे थे कि जब इस तरह के इश्यूज़ को रेज किया जाता है तो उसमें एक चीज़ ये भी होती है कि ये बिकता है बाज़ार में। अब आज का ये जो टॉपिक है ये बिकता है बाज़ार में। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट स्टीरियोटाइप्स बेसिकली। बट मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली जयपुर में तो वी हैव सीन लाइक NSD से भी कुछ लोग जो आए थे जो वुमेन डायरेक्टर्स और आर्टिस्ट को ट्रेन करने के लिए आए थे। सो दैट ट्रेनिंग वॉज ऑल अबाउट कि हाउ डू यू हैव टू थिंक बियॉन्ड योर स्पेसिफिक स्टीरियोटाइपिकल प्रॉब्लम्स। आप उन इशूज की बात मत करें, आप जेनरिक इशूज की बात करें, नॉट टेकिंग योर सेल्फ एज अ वुमेन। वो टच जो हेमा मैम ने कहा, मतलब वो टच तो डेफिनेटली, दैट मिदास टच वुड बी देयर, दैट सेंसिटिविटी एंड सेंसिबिलिटी वुड बी देयर। बट आई थिंक ये जो बैस्टियंस हैं, ये जो फोर्टेज हैं, ये धीरे धीरे डिमिनिश हो रहे हैं। देर इज़ मोर और लेस ऑफ एन इक्वल फुटिंग
इक्वल फुटिंग इन टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन. बिकॉज आप ये सोचिए, जब आप मैम और मैम अगर वो थिएटर पे अगर स्टेज पे जा रहे हैं और इतने जिंदा मीडियम से आप कॉन्वर्स कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, नॉट ओनली यू, आई मीन वी हैव सीन सी शार्प, सी ब्लंट, वी हैव सीन वजाइनल मोनोलॉग्स, वी हैव सीन सो सो मेनी ब्यूटिफुल वर्जन्स ऑफ विजयदान देता जीज बिजीज प्लेज, जिसमें उन्होंने इतनी ब्यूटिफुली एक लेडी के आस्पेक्ट को डिफाइन किया है, शक्ति हो, प्यार हो, अपनत्व हो या कोई भी दुविधा हो. बट देर इज एन एलिमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, देर इज अ फेस ऑफ ह्यूमैनिटी टू इट. वहाँ जेंडर मुझे नहीं लगता, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ज़बरदस्ती महसूस कर रहे हैं कि ये जेंडर है जो बहुत खुरदुरा सा है. क्यों मैम? नॉट थिएटर एज सच बट सोसाइटी, जो हम कह रहे हैं कि ये फेमिनिज्म एंड द कैरिकेचरिश कैरेक्टर्स वी रिप्रोड्यूस अगेन एंड अगेन. एक फिल्म आई थी आइलैंड सिटी, अगर किसी ने देखी हो, यहाँ इट्स अ वंडरफुल फिल्म, और अभी आई थी, बहुत पुरानी फिल्म नहीं है. इसमें तीन कहानियाँ हैं, एक कॉरपोरेट वर्ल्ड की कहानी है, एक मिडिल क्लास की कहानी है, जिसमें जिसके बारे में बताऊंगी कि हस्बैंड बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, मिडिल क्लास, घर वाले टेलीविज़न ख़रीद के लाते हैं. बहुत बड़ा एक सीरियल चल रहा है जिसका नाम है क्या कहते हैं, महापुरुष के लिए अनदर वर्ड, सर्वोत्तम पुरुष, समथिंग लाइक दैट, द बेस्ट मैन, पुरुषोत्तम. अब वो सीरियल के दीवाने हैं सारे के सारे, हस्बैंड की तबीयत ठीक हो रही है, शायद वो घर आ जाए, अब सब परेशान है कि टीवी चला जाएगा. दे वॉन्ट टू वॉच दिस धारावाहिक. नाउ वाई आई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल, बिकॉज इन टेलीविजन द सीरियल्स विच हैव द मैक्सिमम TRP आर वेरी टिपिकल, जिसमें एक औरत पे जुल्म कर रही है. और जो और देखिए क्या है, तो जो आदमी हस्बैंड है वो पुरुषोत्तम है, ही इज हैंडसम, he is mama's boy, he is very respectful towards women, but he's little dumb, and the woman, the mother, the saas, is the shrewd one, and she wants to see the bahu obey her. to ye jo hai na aurat ka aurat pe zulm, aur ye jo sab chote shehar ke ya gaon ki auratein ye serials dekhti hain, jinko ye bada acha lagta hai ki aisa aadmi, aisa husband mujhe mil jaye, या ऐसा बाप मुझे मिल जाए जो कि एकदम सही है, जो क्योंकि उनकी रियल लाइफ में नहीं है वो, यही है. और हर बहू देखती है कि हाँ मेरी सास ऐसी करती है. दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि व्हेन यू टच द योर ड्रीम्स एंड योर एस्पिरेशंस, इट टर्न्स इनटू रियलिटी, एंड व्हेन दे चेंज इनटू रियलिटी, इट इज रियली बैड. या बट दे लव वॉचिंग इट, व्हाट हैपेंस टू देम, दे लव वॉचिंग इट, ओके इट्स हैपनिंग टू हर, so they relate, so that's why these series have such high TRP. I'll just like to add something. to theater kyun alag hai, kyunki theater jitna main samajhti hu sarkar se ki theater aadha to aapke andar hai aur aadha matlab jo aap prastut kar rahe hain aur aadha use complete kaun kar raha hai, wo darshak, wo har ek individual darshak, there is no medium in between, right? And then, it is very direct. No, but my perception and my interpretation of the play would be very different than yours, because we are different individuals. So that completion, jabki agar aap soap opera dekhenge, there is no half circle, there's always a full circle. Moral of the story is saas buri, bahu whatever, and there is another devrani jethani tarah kalein, and it's a hit because this is a complete circle. थिएटर क्यों इतना खूबसूरत है, क्योंकि वो हाफ सर्कल है, वो दर्शकों से ही कंप्लीट होता है और अलग अलग तरह से कंप्लीट होता है. मेरा टेक अवे बहुत अलग होगा अगर मैं आपका प्ले देख रही हूँ एज कम्पेयर टू एनी वन ऑफ अस, राइट? सो आई थिंक दैट इज, आई टोटली एग्री. आई थिंक प्रेरणा फिर तो ये सारा थिएटर गाँव में भी जाना चाहिए, जाता है ताकि वो ज़्यादा जाए और जो लेडीज उस एनवायरमेंट में है, जो सीरियल्स को देख के ही आगे सोच रही हैं, उनको ये वाला पर्सपेक्टिव भी मिले. बिल्कुल नहीं, मैं एक चीज इस पे मैं डिफर करना चाहूंगी, अगर आप विजयदान देता की लोक कथाएं हैं वो, आप उनमें जितनी भी कविता वो कहानियां पढ़ेंगी
उनमें जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है. और ये जो फेमिनिज्म का झंडा लेकर जो हम लोग खड़े होते हैं वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो मिडिल क्लास से आते हैं. और स्पेशली आज़ादी के बाद का जो सिनेरियो या आज़ादी से पहले भी शायद सिनेरियो रहा होगा, वहाँ पर फीमेल्स के लिए एक अलग चीज़, एक अलग खाना बना दिया गया था जो अब टूटना शुरू हुआ है. आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट कि हमारी जनरेशन जो अभी यहाँ बैठी है और ये जो बैठे हुए हैं उनके सोच में, उनके काम करने के तरीके में बहुत फ़र्क है. और जो दुविधाएँ हमने महसूस की हैं या अभी भी हम महसूस कर रहे हैं वो इनमें से काफ़ी सारे लोग नहीं करते. और उसी कैटेगरी में आई प्लेस सादिया ऑल्सो व्हेन शी सेज कि बॉम्बे में ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है. आप सुबह 6 बजे भी जाते हो काम पर और रात को भी लौटते हो और आपकी फैमिली है वो अपने आप मैनेज करती है. उनको पता है उस सिटी की नसों में प्रोफेशनलिज्म बहता है, यहाँ नहीं बहता है. अब एक सवाल तुमसे ही पूछा जाए. जी बिल्कुल. इस टॉपिक से कंसर्न, यू आर इन थिएटर, यू आर वर्किंग, यू आर इन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, यू आर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम रंग संवाद, व्हाट डू यू फील लाइक? आर यू एबल टू डू ऑल थ्रू? इसमें भी कोई दुविधा आती है हमको? दुविधाएं तब आती हैं, मतलब रुचि भार्गव बोलेगी अब. हाँ, रुचि भार्गव बोलेगी. और जैसे मैं अभी योगेश से भी कल रात को जब ये वापस लौटे तो हम ऐसी बात कर रहे थे कि बहुत बिजी वो चला है हमारा, और जितना मेरा बिजी और हेक्टिक चला है उतना ही योगेश का भी चला है. पर इस सब के बीच में मैं ऐसे बैठ के सोच रही थी कि मतलब व्हाई आई ऑलवेज थिंक कि मैंने ही कुछ ज़्यादा मतलब चीज़ें छोड़ दी शायद, क्योंकि देर वॉज अ मिसहैप इन फैमिली, देन माई प्ले वॉज गोइंग ऑन, माई वर्कशॉप इज़ गोइंग ऑन, फिर ये फेस्टिवल का वो भी आ रहा था, प्लस स्कूल का भी एक अलग तरह का प्रेशर चल रहा था. एंड हमारी इस बीच में एक बहस हुई कि ये काम आप कर लीजिए और ऐसे हो जाना चाहिए, तो ही सेड कि मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करो, मतलब व्हाई डू यू एक्सपेक्ट मी टू डू दिस. ये आपस का वो चलता है. पर फिर भी एक महिला होने के नाते मुझे एक चीज़ लगती है कि योगेश से या मेरे ब्रदर्स से ये सवाल नहीं पूछा जाता है कि फिर नाटक. मेरे से ये सवाल होता है फिर रिहर्सल शुरू हो गई तुम्हारी, और विच इज मतलब उसके पीछे काम दुर्भावनाएं नहीं होती हैं, नहीं होती हैं, पर एक जस्ट एन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. अच्छे उससे भी पूछा जाता है तो भी वो ऐसे दिल में चुपता है कि व्हाई हैवंट यू आस्क्ड अदर पीपल के फिर रिहर्सल शुरू हो गई. नो हम योगेश पर आ रहे हैं, हम डू यू आस्क? नहीं, ये फैमिली प्रोग्राम हो जाएगा, प्लीज. पर हम ऑडियंस से सवाल ले रहे हैं, आप पूछ सकते हैं. अनन्य माइक. पहले अभी तुम्हारा आंसर खत्म नहीं हुआ था. इसमें कोई दुविधा, ये तो किसी ने कहा, वो हो सकता है वो कंसर्न के लिए भी कहा हो, मे बी आपकी वेलबींग के लिए कहा हो कि आप इतना कर रही हो तो थक जाओगी, राइट? हाँ बिल्कुल. इन योर एस्पेक्ट व्हाट डू यू थिंक? आर यू कंफर्टेबल विद ऑल दीस थिंग्स? नाउ यू फाइंड एनी दुविधा? अगेन हमने सीख लिया है. हाँ, अब पहले मुझे लगता था कि चीज़ें छोड़ देनी चाहिए कुछ, बाकी सबको खुश रख के हुएवर नहीं पर चलना चाहिए, प्रायोरिटीज पर वो है. पर अब मुझे लगता है अब नाउ आई एम स्ट्रांग इनफ वेयर आई से नो कि दिस कांट बी डन. लर्न टू से नो. वी हैव स्पॉइल्ड देम, बट यू आर डूइंग फॉर योर हैप्पीनेस एंड यू आर हैप्पी विद देम. यस, वेरी मच सो. इट्स ओवर दैट व्हाटएवर वी आर डूइंग, इट्स फॉर आवर हैप्पीनेस. वैसे मैं वहीं से शुरू करना चाहूँगा जहाँ पे रुचि ने छोड़ा था, एक पुरुष के तरीके से भी और एक परिवार, और बाकी जो आप चर्चा कर रहे थे एक महिला का क्या क्या दुविधाओं से गुजरना पड़ता है. मुझे याद नहीं पड़ता कि पिछले इतने वर्षों में मैंने कभी रुचि को बोला हो कि नाटक फिर शुरू कर दिया, मुझे याद नहीं पड़ता. और मैं एक पुरुष के नज़रिए से बता रहा हूँ जो एक महिला के साथ डे टू डे बेसिस पे एक लगातार ज़िंदगी जी रहा है, मैं उस सोच के साथ बता रहा हूँ कि मैंने कभी रुचि से नहीं पूछा कि कोई नया प्ले शुरू करें. मैंने आपके संदर्भ में कहा भी नहीं, पर मैं यू कैन टॉक अबाउट सोसाइटी रोल. नहीं मैं, हाँ मैं उसी संदर्भ. द थिंग इज दिस इज अफेक्शन एंड कि यू आर टायर्ड नाउ, आर यू गोइंग थ्रू इट? मैं एक उसी संदर्भ से पूरे मन से ये सवाल पूछना चाहूँगा. हम सभी दुविधाओं से गुजरते हैं, वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, लेकिन महिलाएँ इसको
खराब शब्द हो सकता है कि लगे कि इसको एक टूल की तरह क्यों इस्तेमाल करते हैं। मुझे बहुत अजीब लगता है जब मैं एक ट्रेन में चढ़ता हूँ या एक बस में चढ़ता हूँ, उसमें 4 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होती हैं, चाहे पुरुष की टांग टूटी हुई हो। ठीक उसी तरीके से एक बिजली के बिल की लाइन में या किसी दूसरी लाइन में महिलाओं की लाइन अलग लगती है। ये सोच महिलाओं के रूप से या महिलाओं के मानसिक उससे आपने कभी क्यों नहीं ये कहा कि हमें ये नहीं चाहिए? सोच को बदलने में बहुत टाइम लगेगा, और ये अभी शायद हम इस शहर में रहते हैं तो सोचते हैं, और छोटी जगहों पे जाएंगे तो ये अलग प्रॉब्लम। हम लेते भी नहीं प्रिविलेज, तो मेरा प्रिविलेज लेना भी नहीं चाहते। मैं आई जस्ट फिनिश इन वन लाइन। मेरा ये कहना है कि जब भी आप महिला और पुरुषों की दुविधाओं की बात करते हैं, मेरे ख्याल से दोनों हिस्से उन्हीं मानसिक प्रताड़नाओं, उन्हीं मानसिक सिचुएशन से गुजरते हैं, और ये डिफ्रेंसिएशन खत्म हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं एक बात कहना चाहूँगी, प्लीज मैं जस्ट रिप्लाई टू दैट। अगर हैड यू बीन अ वुमन जो कि एक मैन की, अ यंग वुमन जो एक मैन की लाइन में खड़ी हुई हो, पर्टिकुलरली परहैप्स इन यूपी और दिल्ली, तो आप शायद ये सवाल ना पूछते। If teasing is the thing. Nay, Ruchi, I would like to respond to what Yogesh has said. Aur inke dimag mein koi galat baat nahi aayi hai, aur aap ki tarah auron ke bhi mind mein koi galat prashn nahi hai, lekin isko main yun clarify karna chahungi kyunki main ek doctor hoon. Basically main ek doctor hoon aur main bade professional nazariye se is cheez ko main हैंडल करना चाहूँगी और बताना चाहूँगी कि जिस तरह से बुज़ुर्गों के लिए एक फिज़िकल उनके कंडीशन के हिसाब से सीट्स जो हैं वो रिज़र्व होती हैं, उसी तरह से मैं ये भी चाहूँगी कि सोसाइटी थोड़ी सी सेंसिटाइजेशन ज़्यादा हो। देर इज़ नथिंग रॉन्ग, जो औरतें हैं स्पेशली एडोलेसेंट वुमेन, दे माई बी ब्लीडिंग। हम लोग मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात नहीं करते हैं, हम लोग मेंस्ट्रुएशन को टैबू मानते हैं। उस वक्त कुछ फिजिकल लिमिटेशंस ऐसी हो सकती हैं जो उस लाइन में खड़ी हुई औरत के बारे में आपको नहीं पता हो वो किस दौर से गुजर रही है, या वो प्रेग्नेंट वुमन हो सकती है, अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान कुछ भी हो सकता है, हो सकता है आपको ये नहीं मालूम हो, और ज़रूरी नहीं है सबको मालूम हो। इस वजह से ये बहुत लॉजिकल चीज़ है कि कुछ सीट्स जो हैं रिजर्व रखी गई हैं, दैट्स ऑल। इसमें कोई इक्वालिटी की बात, यहाँ पे सीट का एग्जांपल देने का सिर्फ इतना ही था कि हम जब किसी विषय पे सोचते हैं और जब किसी चीज को कंपेयर करना शुरू करते हैं। एक अनुरोध जी, आप कह ले पहले। नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये हम एक बहुत अलग दिशा में जाते जा रहे हैं, तो हमें वापस आना चाहिए उन दुविधाओं पर। और दर्शकों में से अगर किसी के पास कुछ सवाल है तो प्लीज। जी जी, देखिए नाटक में मर्दवादी रुझान टेक्स्ट में इनहेरेंट है। आपको देखिए, जब मैंने पहली बार मोहन राकेश के टेक्स्ट को मर्दवादी कहा था तो बहुत हंगामा हुआ था देश भर में, मैंने लिखा भी था उसके बारे में। आप उनके 3 नाटकों को लीजिए, एक तो है आषाढ़ का एक दिन, उसमें कालिदास कुछ भी करता है, वो वेश्याओं के कोठे पर जाता है, रानी से शादी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो ये समझता है कि मल्लिका उसी तरह से कोमल निष्पाप उसका इंतजार करे। वो एक शुद्ध मर्दवादी पाठ है, जो जैसे ही पता चलता है कि मल्लिका का बच्चे की रोने की आवाज़ आती है आखिरी दृश्य में, तो कालिदास अपना डिसीजन बदल लेता है। दूसरा नाटक है उनका आधे अधूरे, जिसमें सारा ब्लेम सावित्री पर है, मैंने सारे उनके पूरे समाज का, और उस तरह से जैसे मानो सावित्री ही विलेन। तीसरा नाटक है लहरों के राजहंस, जिसमें सुंदरी पर सारा ब्लेम वो है, और कहता है राजा कि नहीं, मैं तो बुद्ध के यहाँ जाना चाहता हूँ लेकिन सुंदरी की सुंदरता मुझे रोक रही है, यानी ही इज ब्लेमिंग द ब्यूटीफुल लेडी। तो जो इनहेरेंट है उसमें औरतों का, और आप कलीगुला में देख लीजिए सारा जो, तो एक जो ये योगेश जी की बात है उसमें है कि योगेश जी आप जो कह रहे हैं वो सत्य हो सकता है, लेकिन ये न्याय के पक्ष में कलाएँ खड़ी रहती हैं। तो जो न्याय है कि औरतों के साथ पूरी दुनिया भर में भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन हुए हैं, ठीक उसी तरह जैसे दलितों के साथ हुए हैं, तो हमें एक इंटेलेक्चुअल को, जर्नलिस्ट को, आर्टिस्ट को सत्य से ज़्यादा न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। ये कर कुछ और सवाल अगर पूछना चाहें तो
जी अभी अभी ख्याल है, हालांकि इट्स नॉट, थोड़ा सा अलग है कि दुविधा जो थी कि रिहर्सल की 6 बजे आते हैं सब अपना काम ख़त्म करके, तब रिहर्सल हो सकती है, पर लेकिन 7 बजे जाना भी है। तो मैं बस इतना कहना चाहती थी कि बर्फ़ की रिहर्सल हमने 2.5 महीने की, जो कि सुबह 7 बजे होती थी। तो ये एक ऑप्शन है आपके पास कि 7 बजे से 9 बजे तक, या क्योंकि सबको जाना है काम पे, हम या 8, हाँ 9 बजे तक, और 7 बजे से रिहर्सल शुरू करके 10 बजे तक, उसके बाद वापस शाम को। पर जयपुर में और मुंबई में फिर अगेन देयर इज अ डिफरेंस कि वहाँ की हवाओं में प्रोफेशनलिज्म है। अच्छा, यहाँ 7 बजे का मतलब 7 बजे आएगा नहीं कोई? नहीं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारी टीम भी, मतलब इट, ये बहुत प्रोफेशनलिज्म को लेके थोड़ा सा सीरियस। आप ठीक कह रहे हैं, हमने किसी किसी नाटक में ये वाली ड्राइविंग यूज की है, इट वर्क्स वेरी वेल। आज की ये परिचर्चा हालांकि एक बहुत अलग दिशा में चली गई, पर उसके बावजूद भी मुझे लग रहा है कि हमने ये जो बातचीत की है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल कर आई हैं, प्रेरणा जी का पॉइंट ऑफ व्यू एंड स्पेशली सुष्मिता पॉइंट ऑफ व्यू, और साध्या का, और इवन हेमा जी का, जो बहुत ही एक सवाल और आ रहा है, वो आखिरी सवाल हम ले लेते हैं, उसके बाद कंक्लूड करेंगे। ये सवाल नहीं है, मैं सिर्फ जस्ट मेरी जानकारी, जो मैं आई एम श्योर कि इस मामले में बहुत कम होगी, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आप लोग अलग अलग फील्ड से हैं और आप सभी जानते हैं। हमने महिलाओं को देखा है थिएटर में बहुत ही अच्छे से कर रही हैं, सिनेमा में बहुत अच्छे से कर रही हैं, पर एक फील्ड है जैसे म्यूज़िक डायरेक्शन में, मुझे पता नहीं क्यों मुझे कोई महिला म्यूज़िक डायरेक्टर का नाम ध्यान में याद में नहीं आ रहा, और नहीं आता है जनरली। ये जो डिफरेंस है वह मेल फीमेल का, उसमें वो बहुत गैप है, उस पर आपके क्या थॉट्स हैं? मतलब ये ऐसे लोग हैं जिनको शायद मैं नहीं जानता हूँ, कोई और जान नहीं, मैं देर आर फ्यू फीमेल डायरेक्टर्स, हाँ म्यूजिक डायरेक्टर्स आल्सो, पर मैं आपको बताऊं कि फीमेल डायरेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, गिनी चुनी है। और एक्चुअली थिएटर को हिस्ट्री में जाएँ तो पहले शुरू में तो डायरेक्टर्स है ही नहीं, जब वो आपकी हिस्ट्री में एक ऐसा दौर आया जब डायरेक्शन की ज़रूरत महसूस हुई तो वो डायरेक्टर्स बने। ये जो एक प्रोसीनियम वाला और विंग्स वाला जब ये इरा आया तो वो डायरेक्टर आया, जैसे फिल्मों का भी जब फिल्मिंग शुरू हुई तो कोई कट बोलने वाला जो था वो डायरेक्टर हो गया, वो होते चले गए। पर इसमें भी फीमेल्स डायरेक्टर बहुत कम है, म्यूज़िक डायरेक्टर भी कम है, और उसमें कुछ जॉब्स हैं जो हमने मान लिए हैं कि ये पुरुषों के ही हैं, तो उसमें एंटर होना बड़ा मुश्किल है, और कमांड करना सिचुएशन इज अगेन, आप एज अ डायरेक्टर जब मैं काम करती हूँ तो मुझे बहुत, कई बार मुझे लगता है कि मेल ईगो हर्ट हो गया है, जब आप एक पुरुष डायरेक्टर 4 गाली देकर और आपको 4 कोनों में बिठा दिया गया, तुम नालायक, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, ये करके आना चाहिए, पर अगर फीमेल ने गाली ना भी दी और इतनी ज़ोर से वायलेंटली बोल भी दिया तो अगले दिन आपके 4 एक्टर गायब, अब आप उनके हाथ जोड़ो पैर पड़ो तब वो आएंगे। तो वो फीमेल्स का जो दुविधाएँ हैं वो हैं, और उनसे डील करना हमें अभी सीखना है, वी आर लर्निंग इट। प्रेरणा जी, मैं आपका सवाल जो है उसका मैं जवाब नहीं दे रही हूँ, बिकॉज आई नो ब्लैक एंड वाइट एरा में भी बहुत सारे देवर वुमेन डायरेक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, डेफिनेटली आई थिंक इफ यू जस्ट गूगल इट यू विल गेट इट, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट ये जो दुविधा की बात करी है, जस्ट इंसिडेंटली आई वॉज गोइंग थ्रू गार्डियन, तो गार्डियन में एक बहुत अच्छी रिसर्च आई है विच इज़ बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ 2016 ओनली, वेरी रिसेंट, उस पर उन्होंने बताया कि जो ऑडियंस है फीमेल ऑडियंस लंदन थिएटर की, दैट इज 68%, बट अगर हम वुमेन रोल इन थिएटर करें तो वो 30% है, ओनली 30%, और वो भी ऐसा है जो कि एक लिमिटेड छोटे ऑडिटोरियम में, छोटे पैसे पे, छोटी सब्सिडी पे और छोटी ऑडियंस के लिए, छोटे सेटअप के साथ वो करती हैं। सो दैट्स ऑलवेज देयर, मतलब ये डिफरेंस यहाँ नहीं है, ये ग्लोबल डिफरेंस है, बट अगर 30% से, ये 30% अभी का डेटा है और ये लंदन का डेटा है, तो मेरे ख्याल से आपके ऊपर, सबके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इसको चेंज करना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं जब नाटक शुरू में डायरेक्ट करना शुरू किया था तो आप एक्टर्स को तो फिर भी कर लेते हो क्योंकि वो महीना, 1.5 महीना, 2 महीना या 6 महीना
आपके पास हैं, पर जब आपका टेक्निकल एक्सपर्ट्स जब आपके साथ जुड़ते हैं तो उनको एक महिला के तौर पे हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। वो दो दिन आपकी रिहर्सल में आते हैं, तीसरे दिन कहते हैं हमें लाइट हम कर नहीं पाएंगे। और ऐसे में मेरे को ये महसूस हुआ, कोई पुरुष डायरेक्टर होता है तो वो ये कहता है कि क्यों नहीं करेगा, चल आ, पर एक महिला होने के नाते आप उसको ये नहीं कह सकते कि क्या है बे, करेगा कि नहीं करेगा। और मैंने ऐसे में पुरुषों की मदद ली है। दिस आई हैव नोटिस्ड इन पीपल एंड लेट दिस इन बॉम्बे इफ नो आई वाज जस्ट सेइंग इन बॉम्बे इफ देयर इज अ वुमन डायरेक्टर और अ वुमन हु इज इन चार्ज एंड शी इज डायरेक्टिंग पीपल शी इज वेरी रिस्पेक्टेड Everybody, I mean, I'm surprised that if a man is in charge, he will be able to get the job done and a woman will not be able to. It is very easy for them to manage things. But for a female, it is not that easy. It is not easy because others are not listening to her. So that's not the case in Bombay. Alkadi. जबरदस्ती इंटरवीन कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये इतनी वोलेटाइल, आई एम हैप्पी विद दिस डिस्कशन एक्चुअली, दैट मीन्स वी आर ऑल अलाइव एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। और मुझे ये लग रहा है कि मैं सुष्मिता जी की बात से एग्री करती हूँ कि हमें इसको औरत या आदमी की बात से नहीं जोड़ना है। और रुचि जैसा आप बता रही हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको, ये हमारी डील करने की कैपेसिटी है, ये दुविधाएं सिर्फ रंगमंच पे नहीं है। आई एग्री विद दैट क्योंकि ये आप थोड़ा बहुत रंगमंच का एक्सपीरियंस मुझे भी है जी, बहुत तो सारा। मैं उस नाते से कह सकती हूँ कि दो बातें मैं कहना चाहती हूँ कि जहाँ कह रहे हैं कि जयपुर में प्रोफेशनलिज्म नहीं है, मैं इसे एग्री नहीं करती हूँ। सरताज जी मेरे साथ बैठे हैं आज, शायद हम लोग लगभग 50 साल से थिएटर कर रहे हैं, ये हो सकता है कि मैं अब इतना एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो प्रोफेशनलिज्म का वक्त और डिसिप्लिन का वक्त हमने देखा है वो कोई कम वक्त नहीं था। और मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ हो सकती है, हाँ हम प्रोफेशनल नहीं है इस वजह से हमें दुविधाएँ आ रही हैं, सो दैट मीन्स दैट इज़ आवर एबिलिटी टू डील, हम प्रोफेशनलिज्म नहीं उसको नहीं अपना रहे तो हमें दिक्कत आ रही है, अदरवाइज नहीं। दूसरी चीज़, औरत और मर्द की जो बात है ये सिर्फ रंगमंच पे नहीं है, हर जगह है, हमें इसको मानना चाहिए। जहाँ पर कि सेफ्टी, आपने टाइमिंग बोला, टाइम बोला, ये सब हमारी अपनी डीलिंग कैपेसिटी है। मुझे 50 साल में कभी परेशानी नहीं आई, अब तो मैं उम्र के उस तरफ जा रही हूँ, लेकिन जब मैंने 16 साल में थिएटर शुरू करना शुरू किया था इस रंगमंच पे, जब यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी, बेसमेंट बन रहा था, अंधेरों में लैंटर्न्स चला के हमने प्रैक्टिसेस किया, हमें कभी सेफ्टी की प्रॉब्लम नहीं आई, ना हमें ये लगा कि हम कहीं जा रहे हैं। बल्कि एक चीज़ ज़रूर मैं बताना चाहूँगी, उस वक्त बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा होता था, ये और इनके जैसे और जो डायरेक्टर्स थे, और हम लोग लड़कियों को रात को छोड़ने के लिए किसी ना किसी की जिम्मेदारी लगाई जाती थी कि इसको तू छोड़ के आएगा, उसको तू छोड़ के आएगा, और ये कहा जाता था अरे यार ये सदमा आज मुझे बर्दाश्त करना है, ये हमारा एक रेगुलर लैंग्वेज बन गई थी कि आज तुझे कौन सा सदमा ले बर्दाश्त करना है, ये एक लैंग्वेज, इट वॉज़ अ वेरी फेमिलियर, हमको ऐसा लगता था हम अपने घर में बैठे, मुझे नहीं लगता कि कोई रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम आती है या कोई डिसरिस्पेक्ट है, पर ये तो ज़रूर है कि एक महिला जब कमांडिंग पोजीशन में होती है तो वो काफ़ी लोगों को बर्दाश्त नहीं होती, वो उनकी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम है, वो उनकी प्रॉब्लम, पक्का उनकी प्रॉब्लम है, पर फाइनली आई हैव टू शोकेस माय प्ले, वी हैव टू डील विद दैट प्रॉब्लम, वो उनकी प्रॉब्लम, दिस इज इट जी। मैं जो कहना चाह रहा था वो डॉक्टर साहब ने कह ही दिया, मैं भी यही कह रहा था कि एक्चुअली औरतों की डील करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, मैं तो पर्सनली फील करता हूँ, और उसके बाद भी वो मॉडेस्ट भी होती है कि उसको वो ऐसे एक्सेप्ट भी नहीं करती कि है, और इस दौरान जो दुविधा का मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया हो, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो वो डील कर लेती हैं, जो आदमी को पता भी नहीं लगती। अगर वेरी स्पेसिफिक उदाहरण दूँ, चलो मैं जॉब करता हूँ तो मेरी बीवी भी करती है,
इतनी ही चीज़ों को वो भी एनकाउंटर करती है, लेकिन मर्द जब काम करता है तो वो इस तरह का शो होता है कि जैसे पता नहीं क्या किया जा रहा है। और औरत को जब काम करते हुए देखा, वो मैंने ऐसे देखा है जैसे वाटर इज फ्लोइंग, इट इज़ ए सीमलेस फ्लोइंग, पता भी नहीं लगता। अब हम स्पेसिफिक जगह आए कि चलो जयरंगम हो रहा है, तो जयरंगम जब हो रहा है तो सारा घर ही कंधे के साथ गंदा लगा के खड़ा है, मेरी बीवी भी खड़ी है, मेरी रात भी जयरंगम के दिनों में 3 बजे ख़त्म होती है तो उसकी भी होती है, लेकिन दूसरे दिन मेरा दिन 10-11 बजे शुरू होता है, इनका 6 बजे शुरू हो जाता है। ये जो पार्ट की दुविधा है, यस, तो ये है, तो ये औरत इसको डील करने की कैपेसिटी बहुत बड़ी है, तो दुविधा है, जो ऐसी दुविधा नहीं है कि पहाड़ टूट गया, लेकिन आदमी को करनी पड़े ना तो पहाड़ ही टूट जाएगा एक्चुअली। नाउ कंक्लूजन हैज कम आउट एंड आई थिंक वी विल फिनिश एट दिस पॉइंट कि ये जब पुरुष को करना पड़ता है तो पहाड़ टूटता है। एक नहीं, मैं एक बढ़िया चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अभी 6-7 दिन पहले की बात है, मेरी एक कॉलेज की जूनियर मेजर प्रमिला सिंह, नाउ शी इज इन विद इंडियन आर्मी, वो आई थी, तो उन्होंने अपना एक शेयर किया कि जब उनका फाइनल हर्डल था जिसमें 45 किलोमीटर की रन होती है, जिसमें उनको 2 SLR दी जाती है और पीछे पिट्ठू दिया जाता है, तो उनको उनके कमांडेंट ने बोला, ये उनका टेक्निकल ऑफिसर गैंग का उनका पहला बैच था, तो उनको उनके कमांडेंट ने बोला कि आप लोग इक्वलिटी की बात करते हो ना पूरे बैच को, यदि तुम्हें इक्वलिटी चाहिए, इक्वल अलाउंस चाहिए, इक्वल चाहिए, ये मेल कैडेट जो है जेंटलमैन कैडेट्स, ये 45 किलोमीटर की रन इतने टाइम में करते हैं, तुम्हें मैं ये टारगेट दे रहा हूँ, तुम ये करके दिखाओ। एंड शी डिड इट। 45 किलोमीटर की जो रन थी, पूरी रन एक स्ट्रेच में उन लोगों ने किया, और बहुत दिक्कत आई पर मेल कैडेट से उनका सहयोग किया, एंड दैट डन दैट। और आज ये है कि मतलब वो एक एक्चुअली हम घूम फिर के फिर आ गए डिस्क्रिमिनेशन पर ही। नहीं नहीं, मतलब नहीं, मैं डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहा, ये मेरी बेटी नहीं बेटा है, मतलब भाई बेटी क्यों नहीं है वो, नहीं मैं डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो जो हम जो डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस खत्म होने लगा और हो रहा है, ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे बीच में हैं। और अभी वो पूरी अपनी जो जो गैंग है उस गैंग में वो जानी जाती है द हॉर्स राइडर नाम से। आई एग्री विद यू कि पर हम इसको उस हैप्पी नोट पे ख़त्म करते हैं इस परिचर्चा को, हालांकि अभी हम कोई भी मूड में नहीं है यहाँ से जाने के, पर फिर भी क्योंकि नाटक होना है और ये इस परिचर्चा की और डाइवर्जन्स निकाल के वील कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट, वील मेक इट अ पॉइंट कि हम जी बिल्कुल जी सर माइक देना सर। डिस्क्रिमिनेशन की जहाँ बात कर रही हैं आप, तो जब आपका रिहर्सल चल रहा होता है और मेरा रिहर्सल चल रहा होता है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको जाना रुचि मैम को रिहर्सल कर, और हम कहते हैं कि जाओ यार अपना रिहर्सल कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए आज की इस परिचर्चा को हम यहीं ख़त्म करते हैं, कल एक नए विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। कल का विषय है ड्रामा गॉसिप एंड फूल्स, सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन वेरी वाइड टॉपिक, तो कल हम फिर मिलेंगे इस टॉपिक पर एक चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। 4 बजे वाला शो अग्नि और वर्षा का, और उसके बाद शाम को जयपुर का ही शो है गगन दमामा बाजो, ज़रूर देखिएगा।